वही धमतरी जिले के एक स्कूल में हेल्थ चेकअप के दौरान एक डॉक्टर द्वारा स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद स्कूल का है, जहां कक्षा 12वीं की छात्राओं ने डॉक्टर पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है, जिस पर CHMO ने टीम गठित कर जाँच का आदेश दिए हैं। बता दें कि चिरायु के तहत जिला अस्पताल से डॉक्टरों की टीम छात्र छात्राओं का चेकअप के लिए गई थी। वहीं कक्षा 9वीं तक चेकअप ठीक ठाक किया गया, लेकिन कक्षा 12वीं की छात्राओं की जैसे ही एंट्री हुई डॉक्टर चेकअप के बहाने छेड़छाड़ करने लगे। वही डॉक्टर द्वारा किए जा रहे छेड़खानी की हरकत को देख छात्र छात्राओं सहित शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज की, जिस पर प्राचार्य ने पत्र के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत किया है। इधर कांग्रेस के NSUI जिलाधिकारी और जिलाध्यक्ष ने घटना पर रोष जताते हुए दिनों का अल्टीमेटम दिया है और बोला है कि 2 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग के CMHO का कहना है कि इस विषय में जांच टीम गठित कर दी गई है, जो जांच करेगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। मैं लिखित में कल प्रिंसिपल साहब का भी आया है, तो वहाँ जो स्वास्थ्य चेकअप के लिए टीम जाती है चिराग की, तो उसमें डॉक्टर कुलदीप आनंद का नाम उन्होंने बाई नेम कंप्लेन किया है कि उनका व्यवहार बच्चों के प्रति ठीक नहीं रहा और बच्चे लोग ने कंप्लेन किया था, तो उसी वो में तहत में प्रिंसिपल साहब को हमारे पास लेटर आया था। उस संबंध में हमने कार्रवाई करते हुए नोटिस नाम को बढ़ा रहे हैं और उनको अभी काम के लिए रोक रहे हैं जब, और टीम गठित कर दिया गया है, टीम जो चयन ये करेगी सॉरी जांच टीम गठित कर दी गई है और जांच टीम गठित करने के बाद उनको जैसे जांच में आएगा बिंदु उन कार्रवाई करेंगे। हर साल जो है यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बच्चों के चिरायु टीम आती है यहाँ पे साल में 102 बार। वैसे ही चिरायु की पूरी टीम जो है आई हुई थी यहाँ पे बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, क्योंकि हमारा स्कूल जो है 9वीं से लेकर 12वीं तक चलता है और मिडिल में भी यहाँ पे बच्चे हैं, लेकिन मिडिल का जो चेकअप हो चुका था और चेकअप 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्राओं का होना था, छात्र छात्राओं का होना था, तो उसके लिए हमने स्कूल के अंदर ही व्यवस्था की थी बैठने के लिए और यहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा था सभी बच्चों का, तो क्लास भी चलती रहती है, स्वास्थ्य परीक्षण भी होता है, तो हम एक एक क्लास से बच्चों को 5-5, 10-10 की संख्या में निकालते हैं और जितनी देर तक के परीक्षण चलता है उतनी देर तक के, क्योंकि बच्चियां बड़ी हैं तो 2 से 3 लेडी टीचर जो है हम पूरे समय उन बच्चों के साथ में बैठते हैं। मैं लगभग की एक क्लास कम्प्लीट हो चुका था 9वीं क्लास और या 12वीं के बच्चों को उस समय चेकअप करवा रही थी और मैं पूरे समय वहाँ बैठी थी। बच्चों का जब चेकअप हो रहा था तो मुझे कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, यहाँ पे जो उनके जो मेन डॉक्टर आए थे डॉक्टर कुलदीप आनंद, वो जो है हमारी बच्चियों का चेकअप कर रहे थे और मुझे महसूस हुआ कि इनका जो चेकअप करने का तरीका है वो कुछ थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैंने वहाँ पे विरोध किया और चेकअप तुरंत रुकवाया कि नहीं भाई, सबसे पहले मैंने सवाल किया कि बड़ी बच्चियां हैं तो यहाँ पे लेडी डॉक्टर आना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि लेडी डॉक्टर जो है लीव पे है इसलिए यहाँ पे जेंट्स डॉक्टर आए हुए हैं। 2 लेडीज आई थी और 2 जेंट्स आए थे, जिसमें से जो उनके सीनियर है वो जेंट्स। विद्यालय में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होता है जिसके लिए चिरायु की टीम आई हुई थी, तो स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान जिसमें डॉक्टर हैं वो जब चेकअप कर रहे थे तो इस दौरान ऐसा महसूस हुआ कि उनके द्वारा जो जांच का तरीका है वो उचित नहीं है, इस प्रकार दिखाई पर जो शिक्षक उस दौरान रहते हैं, तो तुरंत ही फिर इस स्थिति में चिरायु टीम के द्वारा इस स्वास्थ्य परीक्षण की कार्य को रुकवाया गया और इसके बाद फिर जो संबंधित डॉक्टर हैं उनसे इस संबंध में चर्चा की गई कि इस प्रकार की स्थिति क्यों थी या ये स्वास्थ्य परीक्षण का कौन सा तरीका है, इस संबंध में
उनसे बात की गई और तत्काल इस स्वास्थ्य परीक्षण को रोका गया। साथ ही हमने इस घटना के तुरंत बाद इनके स्वास्थ्य विभाग के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनको हमने शिकायत पत्र प्रेषित किया। जब जिला अस्पताल से डॉक्टर भेजे गए थे, चिरायरी शिविर लगा गया था, तो उस दौरान डॉक्टर के द्वारा अभद्र तरीके से स्पर्श करने का मामला सामने आया। तो आज हम हमारे एनएसए के जो बहने हैं उनके साथ स्कूल में आए थे कि जो बहने मेरे को कॉल की थी उनसे आकर के रूबरू हूँ, प्रिंसिपल से प्राचार्य से जानकारी ले। तो जानकारी में यहाँ पाया गया कि वास्तव में यहाँ कल जो डॉक्टर आए थे वो गलत तरीके से अभद्र व्यवहार बच्चियों के साथ किया गया। और मैं उन बच्चियों को सलाम करता हूँ जिन बच्चियों ने हिम्मत करके आवाज अपना बुलंद किया। इस संदर्भ में हम जानकारी लेने आए हुए थे। जानकारी लेने के पश्चात यह जानकारी हमको सही लगा कि डॉक्टर ने गलत किया और बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए एनएसए अब मैदान में आ गई है और बच्चियों को जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम अपना प्रयास जारी रखेंगे, आंदोलन जारी रखेंगे। शासन का जो भय होता है, कानून व्यवस्था का भय होता है, वो टोटल खत्म हो गया। अब देखेंगे बटंजी बहुत आम बात हो गई, लूटपाट आम बात हो गया। हमारे प्रदेश में जो शांतिप्रिय छत्तीसगढ़ कहा जाता था आज अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़ कहलाने लगा है।